भारत का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, भारत का जितने भी मॉन्यूमेंट्स है वो दिखाने के लिए भी सरकार प्रयास करते हैं। हमारा एक ही कल्चर का भी एजेंडा है इसमें, क्योंकि जो भी भारत का विजिट करते हैं फॉरेन डेलीगेट्स, उनको अपना कल्चरल हेरिटेज साइट्स को दिखाना, वो वापस जाने के बाद भारत का अम्बेसडर बनकर अपना प्रदेशों में भारत के हित के लिए, भारत का विरासत के लिए प्रचार प्रसार करें। इसी दृष्टिकोण से दी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का ये यूनेस्को हेरिटेज का साइट है, ये भी फॉरेन डेलीगेट्स हो जो इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए देश भर से स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट्स हो और इंटरनेशनल डेलीगेट्स हो, सभी लोगों को इस टेम्पल का विजिट भी करने वाले हैं। उसके साथ दी उदयगिरी केव्स जो भुवनेश्वर में है, ना दी इम्पोर्टेंट केव्स है, उसको भी हम G20 के मीटिंग्स के अंदर हम उसको विजिट करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको मालूम है उड़ीसा का एक प्रमुख कलाकार जो सैंड कलाकार नॉट ओनली इन इंडिया दुनिया भर में पॉपुलर आर्टिस्ट है, वो पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जी का, उनका जो इस G20 के संदर्भ में एक स्पेशल क्रिएशन किया है, कल्चर यूनाइट्स ऑल। इसके बैकग्राउंड पे वो शैंड आर्ट नाट का जो थीम है वो पूरी बीच में होगा। उसमें आज माई सेल्फ एंड हमारा कल्चर मिनिस्टर अर्जुन राम जी और इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स आप लोगों के साथ पूरे हम शाम को जाएंगे। शाम का जो कल्चर ऑफ यूनिट साल का जो कैंपेन है इसके संदर्भ में जो शांड आर्ट का सुदर्शन जी का जो आर्ट वर्क है वो हम स्वयं देखने वाले हैं। उसके साथ साथ जो दो दिन का डिस्कशंस में जैसा मैं बताया अलग अलग चार थीमों पर इन डिटेल डिस्कशन होगा, इसका ये सेकंड मीटिंग है। G20 कल्चर टीम का जो मीटिंग होगा थर्ड मीटिंग कर्नाटक में हम्पी में होगा, फाइनल मीटिंग मिनिस्टर्स का मीटिंग वो उत्तर प्रदेश वाराणसी में कल्चरल सिटी में कल्चर वर्किंग ग्रुप का G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का मीटिंग वाराणसी में संपन्न होगा।